अग्निवीरों को दी जाएगी प्राथमिकता। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में अमृत महोत्सव के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे अधिकारी देश की सेवा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर उन्हें कई महत्वपूर्ण काम करने हैं। इसी को लेकर आज प्रशासनिक अकादमी मसूरी में उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया और देश सेवा के लिए प्रेरित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अग्निपथ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। बहुत सोच समझ कर रही है इस योजना को लागू, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है, और जहाँ पर हमारे ये IAS प्रशिक्षु हैं इनको भी जो है आगे जो है मिशन योजनाकार के तहत जो है इन सभी को लगाया जा रहा है, और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाना है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो भारत की आधारशिला है, आत्मनिर्भर भारत है, जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं उसको साकार करने का काम इन सबके कंधों पर है। ये सब मिलकर काम करेंगे। आज हमने जाकर वहाँ पर सभी को शुभकामनाएं दी और सभी को एक तरह से उनसे इंटरेक्ट किया। वहाँ सर अग्निपथ योजना को लेकर लगातार किस तरीके से तैयार है सर? देखिए, अग्निपथ योजना ये पूरी तरह से नौजवानों के हित में योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच विचार कर इस योजना को देश को समर्पित किया है, और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो भी अग्निवीर इस योजना में हिस्सा लेंगे, इस योजना का अहम भाग बनेंगे, उसके बाद जब वो अपने 4 साल का कालखंड पूरा करेंगे तो हर क्षेत्र में हम उनको प्राथमिकता से लेंगे, और भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां उनको प्राथमिकता से लेंगी। हमारे अन्य जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनमें भी उनको प्राथमिकता से लिया जाएगा। उनके लिए कहीं कोई कमी नहीं है। देशभक्ति का जज्बा जिनके अंदर रहेगा उनके लिए काम की कोई कहीं, मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का कहीं कमी नहीं होगी। सर बरसात सर पे है, काफ़ी सफल रही है सर, अब मानसून अब आ गया है, तो उसको लेकर किस तरीके से सर? नहीं देखिए, हम शुरू से एक बात कहते रहे हैं कि चार धाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों से कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सरल हो, सुगम हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और जो चार धाम में आने वाले यात्री हैं, मौसम का जब भी इस प्रकार का पूर्वानुवास होगा तो सभी को हम सूचित करेंगे, उसी के आधार पर सभी लोग यात्रा करें। और अभी तक यात्रा में 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। एक महीना 20 दिन के अंतराल में 25 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड की धरती पर आ गए हैं, उन्होंने देव दर्शन किए हैं, और इस बार यात्रा का सचमुच एक रिकॉर्ड बनने वाला है, और हमारी कोशिश है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छी और व्यवस्थित चलती रहे। सर यूनिफॉर्म कोड, अब क्योंकि आपने पैसा भी स्वीकृत कर दिया है, तो कब तक पूरा तैयार होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं, और रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया। नोट बनाएगी, एक ड्राफ्ट बनाएगी, उस ड्राफ्ट के आधार पर हम उसको लागू करने की कार्रवाई।